So let's get started with our festive look for this Diwali. I've already primed my face, I've applied some foundation, and I've already concealed my dark circles. So let us start with our eye makeup. Because ये basic, so I believe people know, but let us start. You must use a baby powder under your eyes so that you don't end up spoiling the rest of your makeup. Very important step. So this festive season, I want to go in for a little green because हर साल reds and pinks are very common. So let us go for a greener tint. Let us get started. Here I have a green Kohl. So it's from Blue Heaven. So I'm just using this under my eye. So use it evenly. I have a good speed, and आप अपनी स्पीड के हिसाब से अप्लाई करें इसको. आई एम कीपिंग द एज अ लिटिल आउट एंड आई विल बी सीइंग हाउ माई मेकअप गोज एंड देन आई डिसाइड अबाउट वट आई हैव टू डू अबाउट दिस एज. आई एम स्टार्टिंग विद माई आई शेडोज. इट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड हिलरी रोडा. सो वन ऑफ माई फॉलोअर्स गिफ्टेड मी दिस. दिस इज अ वेरी गुड पैलेट. सो आई वुड बी यूजिंग दिस टुडे. आई एम टेकिंग अ न्यूट बेज कलर टू कवर द अपर क्रीज एरिया लाइक दिस एज यू कैन सी वेल. सो आई वॉन्ट टू गो इन फॉर रेड्स एंड ग्रीन्स टुगेदर आई वॉज थिंकिंग. सो लेट मी स्टार्ट विद अ रेड आई शेडो. आई एम टेकिंग अ रेड एज यू कैन सी जस्ट इन द इनर कॉर्नर. ओनली इन द इनर कॉर्नर आई एम डूइंग इट एंड देन आई विल बी टेकिंग इट टू द मिड. आई विल टेल यू वॉट आई विल डू लेटर अबाउट इट. बट मिड ऑफ द आई लिड शुड बी कवर्ड वेल. सो दिस इज वॉट आई हैव डन एज यू कैन सी ऑन बोथ द आईज. सो आई जस्ट यूज माई रेड आई शैडो. दिस आई विल बी सेपरेटिंग माई अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द आई बाई दिस क्रीज. दिस क्रीज इफ यू कैन सी दिस क्रीज. सो आई विल बी टेकिंग एनी ऑफ द डार्क ब्राउन्स. सो आई वॉज थिंकिंग टू टेक दिस ब्राउन एंड दिस ब्राउन. सो आई विल बी मर्जिंग बोथ ऑफ दिस. वाई? टू मेक अ डेफिनेशन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द आईज. इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल लुक, द क्लियर फेस्टिव लुक यू एक्चुअली नीड फॉर इट. सो हियर वी गो विद दिस. लुक्स ब्यूटिफुल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द अंडर आई एंड द अपर आई मेकअप कैन बी सेपरेटेड रियली वेल. सो यूज एनी डार्क ब्राउन. आई एम यूजिंग ग्रीन फ्रॉम द सेम पैलेट. आई एम अगेन मिक्सिंग टू ग्रीन्स. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पैलेट एज आई सेड बिफोर. सो आई एम मिक्सिंग टू ग्रीन्स एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द आउटर एज ऑफ माई आई लाइक दिस. सो यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो कॉमन मेकअप है. नो इट इज़ नॉट कॉमन. आई टेल यू वॉट आई डू to give that festive tinge, that touch we want. So we are done with both the sides of the eye, the outer sides of the eye. And I would be cleaning the extra makeup from here because okay, this part is still clear because of baby powder, but this part needs to be cleaned up so that it doesn't mess up the whole look. So for this purpose I'm using this all pure cotton pads, cosmetic pads. These are very easily available at most of the shops. I bought it from Sector 7. It's a shop named SCT. So it's a departmental store owned by Mr. Goyal. And they have a lot of variety for cosmetics. So from there I got this. And they have a lot of variety in such cosmetic pads. So you must buy them to clean your makeup. And how and what product am I using to clean my makeup is a very nice product by Garnier. So this product is really good. You must clean your makeup with this so that it doesn't have any issues removing it. Otherwise, soap se properly makeup nahi nikalta. So I would be just using a little bit of it over here so that my concealer is not spoiled. I'll conceal it again later. Foundation from Primark, as I had already told in my prior videos too, I bought it from London. सो आई बॉट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एट लंडन. सो वहाँ से हमने लिया था इसके ढक्कन में से. आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच टिच. वट एम आई गोइंग टू डू? दैट्स द टेक्निक यू नीड टू नो अबाउट अ फेस्टिव लुक. जस्ट टेक दिस मच ऑफ इट एज आई हैव शोन यू. पुल योर आई एंड पुट इट इन द सेंटर लाइक दिस ऑफ योर आई. ओके, ऑन द अदर साइड टू. इंस्टेड ऑफ बाइंग सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर आई मेकअप यू कैन एक्चुअली री यूज दैम इन डिफरेंट वेज. So I put it on both the eyes in the center. And now I'll be sticking some golden, wonderful pigment. If you have glitters, you have any such glittery makeup, you can put it out here because it will help to stick it. I'll show you. With the same brush, I have glitters.
So I don't remember where I bought them from. I remember these are really like old ones. I have like a year or so, but inki expiry is like for 3 years. So these products are really reusable kinds. And अगर आप इसको अपने लिए नहीं use करें तो कभी कभी बच्चों की crafting में भी use हो जाते हैं. So anyhow, I would be putting this golden right out here. Don't put excess, just brush it off like this, okay? Always remember to brush off your extras from your brush, either like this or just blow it away, so that you don't end up having a lot of it on your face. Because we have to look really nice and decent and funky at the same time. So here we go like this. As you can see, now I'll merge it well, and wherever the extras are, I'll try and remove them. I think I need to just darken this brown back again. So I'm taking my palette again, and I'll just be tapping over here like this. सारा ऐसे ऐसे ना करें, अदरवाइज द होल ऑफ द क्रीज, पूरी क्रीज जो है वो गोल्डन हो जाएगी. जस्ट टैप इट ऑन दिस सो दैट आपका बाकी मेकअप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज इट इज स्टिल नॉट ड्राई और हम जल्दी कर रहे हैं. सो लाइक दिस, जस्ट ऑन द सेम पार्ट पुट दैट ब्राउन थिंग. सो दिस इज द हैक वी हैव डन टुडे. आप अपनी फाउंडेशन को यूज करके किसी भी तरह का ग्लिटर अपनी आईज पे स्टिक ऑन कर सकते हैं. यू डोंट नीड स्पेशल ग्लूज और समथिंग लाइक दैट. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी विद द सेम प्रोडक्ट्स यू हैव एट होम. राइट नाउ यू कैन सी आईज लुक रियली वेल डिफाइंड. नाउ आई वॉन्ट टू हैव अ आउटलाइन लाइक आई लाइनर थिंग. अब आपकी मर्जी है, आप आई लाइनर यूज करना चाहते हैं या वट यू रियली वॉन्ट यूज. आई वॉन्ट टू यूज अ पेंसिल सो दैट इट्स मोर कन्वीनियंट. आई ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ मेकअप ऑन माई आईज सो आई डोंट वॉन्ट कि और भारी भारी फील हो मुझे. So I'm using a shampoo pencil. As you can see, the name of the pencil is Sparkling Olive. Sparkling Olive. Shampoo की pencil है ये, आपको किसी भी basic जगह से ये मिल सकती है. I bought it from Elante Mall चंडीगढ़. So it's very easily and conveniently available. The benefit of this pencil is आप इसको अकेले आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. It's a glittery pencil. That's the benefit. And it's olive in color. And we are going into greens today. So here we apply it like this. Exactly, and I make it like a wing so that at least the part I've already done makeup on should be well covered. So I'm done like this, and if you want you can have a closer look. That looks really beautiful. I believe I have the same green pencil I used before from Blue Heaven, and now I'll be just redoing it, matching and merging the edges. Now I'm using my mascara. It's from Primark. I've shown it before too. So mascara hacks बहुत हैं अगर आप देखें तो. Otherwise आप चाहें तो eyelashes लैशेज यूज़ कर सकते हैं. आई प्रेफरेबली बिलीव बहुत लंबा दिन हो जाता है दिवाली का, एंड यू मे एंड अप चेंजिंग क्लोथ्स, लाइट क्लोथ्स एंड हैवियर क्लोथ्स ऑल द डे. आई एम अप्लाइंग इट ऑन द लोअर लिड. सो आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ एनी आई लैशेज. मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑलरेडी वी आर वेयरिंग लेंसेज ऑल्सो, एंड विद द केज इज डिफिकल्ट टू मैनेज द सच बिग आई लैशेज एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग विद अ सिंपल मस्कारा एंड नाउ आई विल बी कर्लिंग इट. मस्कारा कर्लो एंड आई एम जस्ट कर्लिंग माई लैशेज वेल. इफ यू रियली वॉन्ट मच बिगर लैशेज you can just heat it and do it. I think I'm just concealing my eyes again so that they merge really well with the rest of the tone of my face. So you should be really cautious on buying the concealer you buy or the foundation you buy. It has to be according to your tone. It's not ki aap sochein ki I'll buy the whiter one and I'll look more white. Aisa nahi hota. So please take guidance from the store people who are selling the products so that they guide you really well on this. Now I'm just doing the last minute touch-ups. As you can see, if you want you can use some loose powder. I'm just using my compact. I'm really fond of using my compact. It helps me. And never forget your ears please, otherwise ye alag hi pop out hote hain, bahut ajeeb lagte hain. Seriously, everything should be aligned. Never forget your neckline. So it's perfect. Now just applying a little blush. This is again from Body Shop. I really love the products from Body Shop. Okay, so you can see this flywheel. I was in a hurry, that's why. You must reduce the powder and never forget to apply it all over, because then you look really cute and cheeky, pinky types that way. Now, as you can see closely, my eyes look really pretty. And now I would be using a lipstick. I'm using a Kiko red lipstick. So it says Kiko Smart Fusion Lipstick Rouge A Leveris.
So that's the name of the lipstick. It's simple red lipstick, and I'm really good at applying lipstick, so I don't need a lip liner. आपको लगता है कि आपकी outlines अच्छी नहीं होती और your lips are smaller, so you can use a lip liner. I can show you that in some other video someday. But today, as it's the festival is like really close in the evening, we have so many things to do. Me and my daughter Sunayan, so she's also wearing a very pretty saree. I would be getting dressed in a pretty saree, and the saree is from Aurangabad. I bought it like years back when I was in college, and it's a beautiful saree. So आज साउथ इंडियन सेटिंग चाहिए हमें. But the festival look is never complete without a red lipstick. So here we go. As we want to go into little greens, तो अब हम करेंगे कुछ, क्या करेंगे, हम ग्लिटर्स ऐड करेंगे इसमें. दिस इज अ ब्यूटिफुल पैलेट आई बॉट फ्रॉम लंडन, द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट प्राइमार्क. सो इसमें से आई बी यूजिंग ग्रीन और गोल्डन और रेड, वट एवर यू वॉन्ट. सो लेट अस यूज सम शिमर. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज अ लिटल मे बी रेडिश एंड ग्रीनिश कलर मिक्सड. सो आई बी यूजिंग इट जस्ट विद अ फिंगर टच, हल्का सा, ओनली ऑन द अपर क्रीज. ओके, बिकॉज ऑलरेडी नीचे हमारा मेकअप बहुत अच्छा हुआ. Only just covering this part. I'll be using my bronzer from Body Shop. तो आप इसको ब्रश से यूज कर सकते हैं. एंड लाइक दिस आई बी ब्रॉन्जिंग माई पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द ब्रश यूज कर रहे हैं. तो आप ब्रश से भी इसी तरफ कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्टूरिंग करना चाहते हैं तो. आई डोंट वॉन्ट टू डू कॉन्टूरिंग, हैवी हैवी हो जाता है मेरा. इज माई ब्रो लाइन अगेन फ्रॉम प्राइमार्क. सो आई जस्ट बी यूजिंग द लिटल पार्ट to cover this part and to cover this part randomly, because I'm not very fond of using a brow line. Sometimes it leads to a little hair breakage. So yeah, just filling up these parts is really good enough to complete your brow line. And this has a spoolie, so I'll be just combing my eyebrow with the spoolie. So yes, my look is done. Now I'll be just adding a bindi and I'll change my clothes. I just changed my attire and I'll show you the pretty Aurangabad wali sari. Yeah, and let my hair dry. So let us view the final look. तो गाइस, दिस वाज आवर फेस्टिव लुक ट्यूटोरियल. आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी विद द ग्रीन टोन्स. एज आई सेड बिफोर, पिंक पर्पल्स आर वेरी कॉमन. लेट्स गो इन फॉर अ लिटिल ग्रीन दिवाली, द इको फ्रेंडली दिवाली दिस ईयर. एंड सो दिस इज माई प्रिटी लुक. एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. आप उनको ऑनलाइन बाय करें या मॉल से बाय करें, दैट्स योर कॉल. एंड द प्रिटी इयररिंग्स आर द न्यू एडिशन टू दिस लुक फ्रॉम अमेजॉन. दिस इंडियन फेस्टिवल सेल में आई बॉट दिस रियली रीजनेबल वंस. सो अपनी लुक को एनहेंस कीजिए एंड गो इन फॉर ग्रीन दिवाली. क्राफ्ट एट होम, बी हैप्पी, बी सेफ, एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स एंड हैव अ सेफ दिवाली अवे फ्रॉम कोरोना. हैप्पी दिवाली, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. And don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, RamTom, RamTom.